हे गाइज, आप देख सकते हैं ये बहुत ही बड़ा एक वाटर लीकेज है और इसको हम एक सेकंड के अंदर रोक सकते हैं, क्योंकि भाई साहब आपके घरों के अंदर जो टंकी होती है, पाइपलाइन होती है, उसी के अंदर ऐसा लीकेज होता है और आप खुद परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास में भाई साहब एक ऐसी फ्लेक्सिबल सेलो टेप है जिसको अपन वाटर लीकेज टेप या सिल्वर टेप भी कहते हैं, जिसको लगाने के बाद में कितना भी हाई प्रेशर का पानी होगा उसको अपन रोक सकते हैं। तो गाइज ये है हमारे पास में वो सिल्वर टैप जिसको हम लगाएंगे इसके ऊपर, और आप देखना कि इस टैप के अंदर कितना दम है, ये कितना भी फास्ट का वाटर लीकेज हो तो उसको रोक सकती है। भाई साहब अब हम इस सेलो टैप को इसके ऊपर लगा देते हैं। आपको इसको 220 के अंदर लगाना है और इसके ऊपर आप अगर एक राउंड भी लगाए ना तो ये काफ़ी होगा, क्योंकि इसके अंदर जो एक दम है वो काफ़ी पावरफुल है और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है वो काफ़ी तेज़ है। इसके ऊपर मैं दो लगा दूंगा राउंड, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वाटर लीकेज ज़्यादा हो रहा है। फिर मैं अपने मोटर को कर देता हूँ ऑन और आप देखना कि हमारे इस वाटर लीकेज टैप के अंदर कितना पावर है। तो गाइज ये लग के तैयार हो चुकी है पूरी की पूरी, और अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सूखने देते हैं और उसके बाद में करते हैं मोटर को ऑन और आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से कितना पानी निकलता है। क्योंकि गाइज हम वीडियो बना रहे थे, थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं, क्योंकि इसको सही प्रकार से लगने के लिए थोड़ा सूखना पड़ता है। अगर ये पूरी तरह से सूखेगा तो इसके अंदर बड़ा गम लगा हुआ है वो पूरा का पूरा इस पाइपलाइन के अंदर चिपक जाएगा, और उसके बाद में जो उसका रिजल्ट होगा वो 100% रिजल्ट होगा। तो मैं जल्दी से कर देता हूँ मोटर को ऑन, पर यहाँ से एक बूंद भी पानी नहीं निकल रहा। कैमरे को यहाँ पे लाओ और देखो कि इसमें से कितना वाटर लीकेज हो रहा है। तो गाइज ये अपने आप में काफ़ी फ्लेक्सिबल टैप है और काफ़ी इसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो बहुत ही बड़ी है। अब मैं इस टैप को हटाने वाला हूँ और आप देख सकते हैं ये देखो। तो गाइज इतने बड़े लीकेज को इसे सिल्वर टैप ने रोका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ठोक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।